यहाँ पे हजारों मीडिया आती है, एक मिनट, यहाँ पे हजारों मीडिया आती है, आवाज उठाती है, और यहाँ पे स्टूडेंट मर रहे हैं। देखिए कितने के तबियत खराब है, यहाँ पे लगातार ये लोग हल्ला कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण आज कुंभकर्ण का दिया, तो मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। 9 महीने के माँ के गर्भ में रहने के बाद बच्चे को 9 महीने के बाद पता चल जाता है कि दुनिया कैसी है, लेकिन हम लोग 3 साल हो गया सर, हम लोग को पता नहीं चला कि विज्ञप्ति कब आएगी। पढ़े लिखे हैं वो सब है संतरी बने, ठीक है, संतरी बने हुए हैं, बेकार है, बेरोजगार है, लेकिन जो अपराध है माफिया है वो सब मंत्री बने हुए हैं, सारा चीज उन्हीं का है। क्या करूं साहब, कोई पूछता नहीं, क्या करूं साहब, कोई पूछता नहीं, बेरोजगारी का दर्द कोई पूछता नहीं, बेरोजगारी का दर्द कोई पूछता नहीं। माँ बाप तो छोड़िए, पत्नी बेटे का बोझ हूँ, माँ बाप तो छोड़िए, पत्नी बेटे का बोझ हूँ, नौकरी दे दो सरकार मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी दे दो सरकार मैं बेरोजगार। रामायण में एक कुंभकर्ण थे जिसको जगाने के लिए रावण ने मिठाई सुंघाया था, जलेबी सुंघाया था, तब जाके वो जगे थे। वही बात करें बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की, वही उनका बाप निकले हैं। देखिए छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, पर उठने के लिए तैयार नहीं है। रावण ने तो जलेबी सुंघाया था, आप लोग क्या सुंघाएंगे? हम लोग तो अभी उसके पास आश्वासन किए हैं, मुंडन किए हैं, हवन किए हैं और पुतला दहन किए हैं, समझे, उसके बाद सोच रहे हैं कि अभी गोबर मुंडन जो भी सुंघाने का वक्त आए वही सुंघाएंगे, ताकि उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि छठा चरण समाप्त होने के बाद तुरंत सातवां चरण हम चालू कर देंगे, वो अपने जो वादा किए वो मुकर रहे हैं। अब वो क्या आश्वासन दे रहे हैं, लॉलीपॉप हम लोग बिहार को थमा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ गए हैं कि कैसे करना है, अंतिम तक अधिकार को हम लोग लेकर रहेंगे, इसके लिए जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज कर रहे हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री जी यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, पर जागने के लिए तैयार नहीं है, जगाने के लिए क्या करेंगे भैया? एक बच्चा कल जगाया है, देखे नहीं है, नीतीश कुमार के मुँह पे थप्पड़ मारा है कि सरकारी स्कूल इस लायक नहीं है कि हम एजुकेशन ले सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि हम एजुकेशन ले पाए, 15 साल से सरकार में है और इस लायक नहीं बना पाए हैं स्कूल को कि टीचर दे पाए, तो इस सरकार को तो डूब मरनी चाहिए, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि शर्म पूरी तरह धो चुके हैं ये, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो इन स्टूडेंट्स की सुनेंगे, और ये जो लायक स्टूडेंट यहाँ पे MEd BEd CTET BTET करके बैठे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बहाल करने का काम करेंगे, वरना कुर्सी त्याग दें और आकर के रोड पे बैठे। कहते ही हैं कि स्टूडेंट को ठेला लगाना चाहिए, खुद ठेला लगाए वो, हम क्यों ठेला लगाएंगे? तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग जितने दिख रहे हैं आपको, ये शिक्षित बेरोजगार है, बहुत बड़ी बात है, अशिक्षित बेरोजगार का बिहार में क्या स्थिति है वो खुद जानते हैं। बात करें STET की, आया ये CTET और BTET की, लगातार ये लोग आते हैं धरना प्रदर्शन देते हैं, पर सरकार इनकी नहीं सुनती है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो आप लोगों की सुनी नहीं रही है। सर हम लोग विगत 3 सालों से वंचित और पीड़ित अभ्यर्थी हैं, आपने बहुत अच्छा उदाहरण आज कुंभकर्ण का दिया, तो मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। 9 महीने के माँ के गर्भ में रहने के बाद बच्चे को 9 महीने के बाद पता चल जाता है कि दुनिया कैसी है, लेकिन हम लोग 3 साल हो गया सर, हम लोग को पता नहीं चला कि विज्ञप्ति कब आएगी। तो मेरा सर माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करें सर, हम लोग का यह अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रही है जो अनवरत चलते रहेगी, अगर 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो सर आंदोलन हमारा आत्मदाह का रूप ले लेगा सर, और जिनके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी सर। जहाँ बात करें BTET की CTET की, ये जो कहानी है 2019 में स्टार्ट हुई थी, पूरी कहानी है, बताइए कैसे आप लोग इस चुंगल में फंसे आप? देखिए हम लोग 2019 में पास किए हैं CTET, जनरली दिसंबर 2019 पास किए हैं, और विगत 2019 से अभी तक कोई सरकार हम लोग ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी कर रही है, सिर्फ उनका जुबान है, जुबान चलता है कि मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो अच्छा ये सब न्यूज़ तो सब कोई दिखा रहा है। चलिए हम लोग और थोड़ा जानते हैं, आप लोग बिहार के बाहर, पटना के बाहर से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं आप लोग, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? हम लोग यहाँ पर केदार भवन में रुके हुए हैं, हम लोग को 10 से 4 बजे तक का परमिशन मिला है, यहाँ गर्दनी बाग। सोते कहाँ हैं आप लोग, रहते कहाँ, कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ पे सो रहे हैं? रोड पे सो रहे हैं। पढ़ लिख के रोड पे सो रहे हैं, क्या करें सर, अनपढ़ लोग जो है गद्दी पे बैठा हुआ है, सरकार लाचार है, शिक्षक बेरोजगार है, तो रोड पे तो सोना सारा। आज के दौर में जहाँ शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए ये आज रोड पे हम लोग है, मतलब देखा जाए तो हम लोग सबसे घटिया किस्म के इंसान यहाँ नजर आ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है आज गद्दी संभाले हुए हैं, पढ़े लिखे लोग आज रोड पे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप लोग? पढ़े लिखे एक दो लाइन सुन लीजिए, जो पढ़े लिखे हैं वो सब है संतरी बने,
ठीक है, संतरी बने हुए हैं, बेकार है, बेरोजगार है, लेकिन जो अपराध है माफिया है वो सब मंत्री बने हुए हैं, सारा चीज उन्हीं का है। क्या हम लोग सब चीज सीटेट है, क्वालिफाइड कर चुके हैं, मतलब शिक्षक बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए सारी की सारी योग्यता हम लोगों में है, लेकिन शिक्षा मंत्री कान में पता नहीं उनके गूंज घुसा हुआ है कि लकड़ी है कि लोहा का क्या है, आवाज़ें नहीं पहुंच रही है। हमेशा वो कह रहे हैं कि जल्द हम नोटिफिकेशन मतलब जारी करेंगे, यथाशीघ्र करेंगे, जल्दी करेंगे, पता नहीं जल्द नहीं क्या कहना चाहते हैं। मैं कुछ ही शब्दों में सारी बातों को रखना चाहता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि छठे चरण का समाप्ति होने के बाद मैं पुनः सातवें चरण की विज्ञापन जारी कर दूंगा और रिक्तियां भी आधी से अधिक बची हुई है, तो फिर परिस्थिति क्या है मेरी? हम लोगों की बातों को आप माननीय शिक्षा मंत्री, हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं, पर ये जो सरकार है जागे, सुने तो सही नीतीश कुमार, सुने तो सही विजय चौधरी, सुने तो सही, पर सुनने के लिए शर्म लगना चाहिए। 2,75,000 हजारों मीडिया आती है, एक मिनट, यहाँ पे हजारों मीडिया आती है, आवाज उठाती है, और यहाँ पे स्टूडेंट मर रहे हैं, देखिए कितने के तबियत खराब है, यहाँ पे लगातार ये लोग हाला कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुर्दाबाद, माननीय नीतीश कुमार को तो शर्म लगना चाहिए। कल अपने गांव गए थे, एक बच्चा बोला साहब मैं तो आपके सरकारी संस्थान में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वहाँ शिक्षक नहीं है। अब इससे विडम्बना क्या होगी? माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे मेरी आग्रह है और शिक्षा मंत्री जी, जल्द से जल्द सातवीं चरण का विज्ञप्ति जारी करिए, जब तक जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं वंचित सीटेट पास, बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी का दुख दर्द दो पंक्तियों में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि क्या करूँ साहब, क्या करूं साहब, कोई पूछता नहीं, क्या करूं साहब, कोई पूछता नहीं, बेरोजगारी का दर्द कोई पूछता नहीं, बेरोजगारी का दर्द कोई पूछता नहीं, माँ बाप तो छोड़िए पत्नी बेटे का बोझ हूँ, माँ बाप तो छोड़िए पत्नी बेटे का बोझ हूँ, नौकरी दे दो सरकार मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी दे दो सरकार मैं बेरोजगार हूँ। आप जानते हैं कि अच्छा भविष्य, आपने बहुत बड़ी बात कही है जी। एक तो होता है माँ बाप का बोझ, वो होता है 25-30 के अंदर में जी। एक पत्नी अब जो बच्चा का बोझ होता है बहुत खराब होता है, वहाँ पे लोगों को सुसाइड के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जब हमारे रोते हैं, बिलखते हैं, पैसे मांगते हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं बच्चों को खुश कैसे कर सकता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा कैसे सकता हूँ, तो सरकार से 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी करे और जल्द से जल्द बहाली पूरी की जाए। देखिए ये जो छात्र हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शिक्षित बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, अपने टैक्स के पैसा से देकर ये लोग पढ़ाई किए हैं, शिक्षा को ग्रहण किए हैं। बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है वो बताने की जरूरत नहीं है। 50-50, 100-100 बच्चे पे यहाँ पे एक टीचर है। शिक्षा का इतना कमी के बावजूद भी बिहार सरकार सोई हुई है और इनको बहाली नहीं दे रही है। ये लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन आगजनी क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। बहरहाल इस खबर को, इस वीडियो को सोई हुई सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।